जी गाइस वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंजलि। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगेन मैं आप लोगों के लेकर आ गई हूँ मीशो का कलेक्शन। तो इस बार का जो कलेक्शन है ना वो है लहंगे और का कलेक्शन। बीच में मैंने सिर्फ दो ही तीन कलेक्शन डिफरेंट डाले थे और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए कि प्लीज मैम लहंगा हॉल लाइए, प्लीज दी लहंगा हॉल लाइए। तो बस आप लोग के डिमांड में मैं लहंगा हॉल लेकर आ गई हूँ और इस बार का कलेक्शन भी बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है। एंड इस बार का कलेक्शन भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन मैंने कलेक्ट किए हैं। एंड जिन लोगों ने मुझे कोड दिए थे ज्यादातर वही है सारे कलेक्शन। एंड लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में खासकर मतलब जिन्होंने कोड दिया है वो सारे कलेक्शन मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं। एक एक करके सारे ही और वीडियो आ जाएंगे, आप जल्दी जल्दी आएंगे और वीडियो, क्योंकि अभी तक थोड़ा थोड़ा सा लेट आ रहे थे, कुछ रीजन था। लेकिन अब जितने भी हॉल वीडियो है वो लगातार आएंगे एंड मैं कुछ डिफरेंट करने का भी सोच रही हूँ, वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बातों को ये भी विराम देते हुए अपने कलेक्शन की और बढ़ते हैं, फर्स्ट कलेक्शन आपको अपना दिखाना शुरू करते हैं। हाँ, जब तक वीडियो को शुरू करें तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे वो भी बताइए, क्योंकि ज्यादातर कमेंट हमें लहंगे हॉल के आते हैं। अब हमेशा लहंगा लहंगा था, थोड़ा मेरा भी मन भर जाता है, कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा है। तो बहुत जल्द मैंने कुछ ऐसा सोचा भी है, कुछ आपके लिए डिफरेंट लेकर आऊंगी, तो उसका आप लोग वेट करिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो चीज आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते अपने फर्स्ट कलेक्शन की। तो फर्स्ट कलेक्शन है ये, इसका आया था हमारे पास कोड एंड ये एक लहंगा है, देखते कैसा आया है। तो ये है इसका ब्लाउज जो कि कुछ इस तरह से डिजाइन है, काफी डिजाइनर पीस था एंड जिस तरह से इमेज में दिख रहा था सेम ये वैसा मेरे पास रिसीव हुआ है। एंड ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, मरून कलर है। इसमें शायद कलर के ऑप्शन थे या नहीं मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेना, बट ये कलर भी काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा डार्क मरून इस कलर हो सकता है, इसमें थोड़ा सा रेडनेस लग रहा है, बट उतना ज्यादा रेड नहीं है जितना आपको उसमें दिख रहा है, थोड़ा सा मरून टच में है ये। एंड ये जो साइड में वर्क है, एक साइड पूरे स्लीव्स में आपको फुल स्लीव्स मिलेगी एंड ये पूरा व्हाइट थ्रेड से वर्क किया हुआ कुछ इस तरह से। तो एक साइड का तो आपको सिर्फ इसी तरह से मिल जाएगा थ्रेड वर्क, एंड जैसे आप नीचे आ जाओगे ना इसमें इस तरह से सिपियों का वर्क किया है जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लुक आएगा आपके इसके साथ। एंड सेकंड साइड आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक लगने वाला है। एंड जिन्होंने भी इसका कोड दिया था वो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, मुझे काफी प्यारा लगा है। एंड इसका स्लीव कुछ इस तरह से है जो कि है सेकेंड स्लीव। फुल इमेज में आप इसको देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर आ जाएगा, काफी प्यारा एंड ब्यूटीफुल सा ये कलेक्शन है। तो ये इसके ब्लाउज एंड इसके साथ ना आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये शायद इन्होंने नेक के डिजाइन के लिए इसका एज ए नेकलेस ये यूज किया जाएगा। जब मैं इसको आपको फुल इमेज में दिखाऊंगी तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कुछ इस तरह से है, जो आपको नेकलेस भी अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको इसी के साथ मिल जाएगा। और जिस हिसाब से इसका प्राइस था ना, प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है ये लहंगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसके साथ इन्होंने ना एक बेल्ट है जो कि आपको कमर पे स्टाइल करना है, आप फुल सिपियों वाला लुक आपको मिल जाएगा इससे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यस, कलर वाइज काफी अच्छा, लुक वाइज अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, जितना इसका प्राइस है वैसे ये कंप्लीट है। एंड लास्ट में बात करते हैं इसके लहंगे की, जो कि इसका लहंगा जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है आपको मिलेगा, पर कमर पे सिर्फ आपको इस तरह से वर्क मिलेगा जहाँ पे वही थ्रेड वर्क एंड ये सिपियों वाला वर्क मिलेगा। एंड फिर आपको ना छोटी छोटी प्लेटिंग से घेर मिलेगा। अगर सबसे अच्छी बेस्ट पार्ट ये है कि ये फुल स्टिच लहंगा मेरे पास रिसीव हुआ है, तो डेफिनेटली आपको भी फुल स्टिच लहंगा मिलेगा। इसमें कुछ भी आपको स्टिच करवाने की नहीं है, ना तो आपको ब्लाउज स्टिच करवाना है और ना ही आपको लहंगा स्टिच करवाना है। ओवरऑल लहंगा से फिर प्लेन आपको मिलेगा नीचे तक, ये आपको सिर्फ नीचे प्लेन मिल रहा है, बहुत ज्यादा फ्लेयर तो आपको इसमें नहीं मिलेगा, 2 मीटर के अराउंड आपको इसमें फ्लेयर मिल जाएगा। जॉर्जेट का फैब्रिक है, थोड़ा सा डार्क इस मैनून है, इसमें थोड़ा सा रेडनेस टाइप लग रहा है बट ऐसा नहीं है। नीचे अगर अंदर की बात करूँ तो आपको मिल रही लाइनिंग, लाइनिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड उसके बाद आपको मिल रहा है कैंकन, तो यस आपको कैंकन स्कर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको ट्राई करके दिखाऊंगी ना तो उसके साथ मैं कैंकन स्कर्ट नहीं डालूंगी, डायरेक्टली जैसा है वैसा ही मैं इसको दिखाऊंगी। यस, तो ये है इसका लहंगा। और काफी टाइम से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि डे टू वियर आप लहंगा दिखाइए जिसमें हमें कुछ भी ना कराना पड़े, ब्लाउज भी स्टिच ना कराना पड़े, लहंगा भी स्टिच ना कराना पड़े। तो ये वैसा ही है, इसके साथ आपको ना लहंगा स्टिच करवाना है, ना आपको कोई ज्वेलरी अलग से लेनी है और ना ही आपको ब्लाउज स्टिच करवाना है, फुल आपको स्टिच ये चीजें मिल रही है। इसके साथ इन्होंने चुन्नी नहीं दी है, इसका चुन्नी उसमें था भी नहीं, जब पिक्चर हमने इमेज में देखी तो इसमें चुन्नी नहीं थी, तो इसमें चुन्नी आई भी नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके साइज की, तो ये साइज जो है ना ये एम तक के साइज के लोगों के साथ ही फिट ये जा सकता है, उससे ज्यादा के साइज के लोग इसमें फिट नहीं हो सकते हैं, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। बट इसमें कोई साइज मैंने नहीं मंगाया था, उसमें सिर्फ फ्री साइज लिखा था और फ्री साइज में ये साइज रिसीव हुआ जो कि एम तक के साइज के लोगों को ये फिट हो सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट कलेक्शन, जो काफी प्यारे कलेक्शन के साथ हमारी ओपनिंग हुई है आज की।
बढ़ते हैं अपने सेकंड कलेक्शन की ओर। तो सेकंड कलेक्शन है ये, जिसकी भी हमें आई थी रिक्वेस्ट। एंड गाइस मैं बता दूं, जिन जिन लोगों ने भी मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे स्पेशली कोड दिया है काजू, हो सकता है वो काफी टाइम पहले दिया हो, 15-20 दिन पहले, तो सबके कलेक्शन में दिखाऊंगी। सबके कलेक्शन आ चुके हैं मेरे पास, बट यही है कि एक हॉल वीडियो में मैं सिर्फ 2-3-4 ही आपको प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ, बट अब लगातार चीजें आती रहेंगी, सबके कलेक्शन में दिखाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो यस, चलिए इसके लहंगे से बात कर लेते हैं, ये कैसा रिसीव हुआ है हमारे पास। सबसे पहले इसके लहंगे से ही बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से इसका कलर है। तो कलर जिस तरह से इमेज में दिख रहा था सेम वैसा ही रिसीव हुआ है, अपनी अपनी चॉइस है। इस कलर के साथ जो कोई जाना चाहता है, ऐसे कलर के लहंगे बहुत कम ही लोग वियर करते हुए दिखते हैं, पर जिन्होंने इसका कोड दिया था वो यही कलर था और वे कलर सेम वैसा ही मेरे पास रिसीव हुआ है। तो प्लेटिंग वाला आपको घेर मिल जाएगा, अगर घेर की बात करूँ कि 2.5 मीटर के अराउंड इसमें आपको फ्लेयर मिल जाएगा। एंड फिर आप जैसे नीचे आओगे ना, तो बीच बीच में आपको इस तरह से डिटेलिंग मिल जाएगी ओवरऑल लहंगे में, जिसमें ये सीक्वेंस वाले मिरर का यूज किया है, थ्रेडवर्क का, इस तरह की डिटेलिंग ना ओवरऑल लहंगे में है बीच में। एंड जैसे जैसे फिर आप नीचे आओगे तो एंडिंग में थोड़ा सा हैवी लुक इसको दिया है, जिसमें इन्होंने पूरा थ्रेडवर्क यूज किया है। एंड ये बीच में इन्होंने सिल्वर, डार्क सिल्वर वाला इसमें कलर यूज किया है, थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है। एंड कुछ इस तरह से इसकी डिटेलिंग है ओवरऑल लहंगे की, जो कि नीचे साइड है, काफी अच्छा कलर है, जिस तरह से इमेज में दिख रहा था सामने से वैसा ही रिसीव हुआ है। पीछे आपको सिर्फ लाइनिंग मिल जाएगी, कैंगन वगैरह या बकरन वगैरह आपको नहीं मिल रहा है इस तरह में कुछ। तो अगर आपको इसको पहनना है तो फिर इसके साथ आपको कैंगन स्कर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप इसको लो। अगर आप कैंगन स्कर्ट आपके पास नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हो सकता है उतना अच्छा लुक आपको ना दे जितना आप इससे उम्मीद कर रहे हो। लेकिन बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज से, तो ये इसके बैक का पार्ट, जो कि इस तरह से आपको वर्क मिल जाएगा बैक के लिए, आपको ये बैक का पार्ट है। एंड ये है इसके स्लीव्स में, स्लीव्स में आपको किसी तरह से वर्क मिलेगा जिस तरह से आपको लहंगे पे मिल रहा है। तो एंड स्लीव्स की फैब्रिक की बात करूँ तो इसमें एल तक की साइजों के लिए स्लीव्स हो सकती है। काफी लोग आप लोग हमें कमेंट करते हो कि प्लीज साइज का नाम बता दिया करिए, तो हम साइज का नाम बताते हैं। आप थोड़ा सा जो है इस विदाउट स्किप किए वीडियो को देखोगे तो आपको एग्जैक्ट सब कुछ क्लियर एंड डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं बताती सब में ही हूँ। तो ये था बैक का पार्ट, एंड इसी के साथ कुछ ऐसा ही आपको मिल जाएगा फ्रंट के लिए, जिसमें ये आपको फ्रंट की डिटेलिंग मिलेगी कुछ इस तरह से, सेम वही छोटी छोटी सी डिटेलिंग दी है। फिर साइड में आपको स्लीव्स के लिए फैब्रिक मिल रहा है जैसे वैसा था। एंड फिर इसके साथ आपको ना एक लाइनिंग मिल रही है, ताकि आपको अस्तर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपको ब्लाउज के लिए इसी में आपको लाइनिंग मिल जाएगी। तो ये है इसकी लाइनिंग एंड ये है इसकी चुन्नी। तो जिस कलर का लहंगा था, जिस फैब्रिक का लहंगा था, सेम उसी तरह से इन्होंने चुन्नी के लिए फैब्रिक दिया है, जिसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है। चारों साइड आपको इसी तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी, लेंथ वाइज परफेक्ट है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, बीच बीच में छोटी छोटी सी इस तरह से डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। ओवरऑल लहंगा एवरेज है, बट ओवरऑल लहंगा एवरेज है। तो जिन्होंने इसका कोड दिया था, जिस तरह से इमेज में आपको दिख रहा था डियर, वो भी ऐसे ही सामने मेरे पास रिसीव हुआ, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड कलेक्शन, बढ़ते अपने नेक्स्ट कलेक्शन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा ये, जो कि एक वेलवेट का लहंगा है, एंड इसकी भी हमें डिमांड आई थी और ये काफी बार कैंसिल हो जा रहा था, काफी टाइम बाद ये मतलब फाइनल मेरे पास पहुंचा है, देखते कैसा आया है। तो ये है इसका लहंगा, जो कि कुछ इस तरह से है, मरून कलर पे है, एंड ये प्लेटिंग वाला आपको घेर मिल जाएगा, एंड वेलवेट है तो थोड़ा सा हैवीनेस इसमें है, एंड थोड़ा सा मोटा भी है। तो ये कुछ इस तरह से आपको ऊपर से तो पूरा प्लेन मिलेगा, फैब्रिक की क्वालिटी ठीक है, ओके है, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप नीचे आ जाओगे ना, फिर नीचे आपको कुछ इस तरह से डिटेलिंग मिल जाएगी, सिर्फ एंडिंग में आपको इस तरह से डिटेलिंग मिल रही है, इसमें सीक्वेंस एंड जरी वर्क की डिटेलिंग भी कुछ इस तरह से। एंड अगर फ्लेयर की बात करूँ तो फ्लेयर आपको मिल जाएगा 2 मीटर के अराउंड, आपको इसमें फ्लेयर मिल जाएगा। बैक में आपको लाइनिंग वगैरह नहीं मिल रही, बकरन वगैरह नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग का फैब्रिक मिल रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा क्वालिटी मतलब मुझे नहीं लगी, एवरेज है, एवरेज लहंगा मुझे लगा इसका। तो ये इसके ब्लाउज का फैब्रिक, जो कि सेम उसी तरह लहंगा की फैब्रिक की तरीके ही वेलवेट का फैब्रिक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं दी है कि कहाँ आपको नेक बनवाना, कुछ भी ऐसा बर करके नहीं दिया, प्लेन फैब्रिक है। फैब्रिक की लेंथ वाइज काफी अच्छी, इसमें एक्स्ट्रा डबल एक्सल के साइज तक के लोग इससे अपना ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, बट ये बिल्कुल प्लेन है, आप जैसा चाहे इसको आप ऐसा स्टाइल करवा सकते हैं। इसके साथ इन्होंने बस ये एक लेस दी है, आज आप इसको बेल्ट यूज करना है कि लेस यूज करना है क्या करना है, बस ये कुछ अलग से इस तरह से आपको मतलब मिल रही है, और तो कुछ इसमें मुझे दिखा नहीं, बस ये बेल्ट इन्होंने साथ में इन्होंने की दी है एज अ लेस या एज अ बेल्ट, आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी चुन्नी की, तो ये कुछ इस तरह से इसकी चुन्नी है, इसमें आपको चारों साइड कॉर्नर में कुछ इस तरह से डिटेलिंग मिल जाएगी ओवरऑल।
लेंथ वाइज परफेक्ट है, बाकी ओवरऑल प्लेन है, कुछ एक्स्ट्रा अलग इसमें नहीं है जो मैं आपको इसमें बताऊं। ये प्लेन है, वेलवेट का फैब्रिक है, फैब्रिक की क्वालिटी ओके ओके है, जिसके साथ इसका प्राइस है एवरेज लहंगा है, बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बट मीडियम एवरेज में ही आपको लहंगा मिल जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड कलेक्शन, बढ़ते हैं अपने लास्ट कलेक्शन को। लास्ट कलेक्शन है हमारा ये, चलिए देखते हैं ये कैसा आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी चुन्नी से, जो कि कुछ इस तरह से है, एंड इसके भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कॉर्नर पे आपको इस तरह से डिटेलिंग मिल जाएगी ओवरऑल चुन्नी पे, मतलब आपको ये जरी एंड सीक्वेंस वाइज डिटेलिंग ओवरऑल चारों साइड आपको इस तरह से मिलते हैं, काफी अच्छा कलर भी है और काफी अच्छी डिटेलिंग भी उन्होंने दी है। बीच बीच में ना आपको इस तरह से पूरे चुन्नी पे ये वर्क मिल जाएगी, काफी प्यारा ब्यूटीफुल सा ये वर्क लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ इयर रिंग्स लगाई गई है इसमें। ये ओवरऑल चुन्नी सेम इसी तरीके से है, लेंथ वाइज परफेक्ट है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, काफी अच्छा कलर मेहंदी के लिए लग रहा है, मेहंदी फंक्शन के लिए काफी अच्छा ये आउटफिट है। तो ये थी इसकी चुन्नी, एंड फिर बात करते हैं हम इसके लहंगे की। तो ये है कुछ इस तरह से इसका लहंगा, ऊपर से आपको इस तरह से प्लेटिंग वाला पूरी घेर मिलेगा और मुझे काफी प्यारा लग रहा है, कलर बहुत ही ज्यादा मेहंदी वाला कलर है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये प्लेटिंग वाला पूरा घेर मिलेगा आपको, एंड जिस तरह से चुन्नी में डिटेलिंग थी उसी तरह सेम इसमें भी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी ओवरऑल लहंगे में। फिर जैसे जैसे आप इसमें नीचे आ जाओगे तो काफी हैवी एंड बढ़िया वाला लुक दिया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो डेफिनेटली इसको आप किसी भी, सिर्फ आप इसको मेहंदी के फंक्शन के लिए नहीं, आप जहां चाहे वैसे इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसको डाल सकते हैं। फैब्रिक जो है वो है जॉर्जेट का, क्वालिटी अच्छी है, एंड ये जो वर्क है ये वही सीक्वेंस एंड जरी वाला वर्क है, कुछ इस तरह से इसकी डिटेलिंग है, एंड काफी अच्छा लहंगा है। जिस तरह से इसका प्राइस था, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थेड है। एंड अंदर बात करूं तो अंदर आपको लाइनिंग के फैब्रिक मिलेगा, उसकी फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छा है, कैंकन वगैरह नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने लहंगे में साइड में इन्होंने लास्ट में बकरन यूज किया, जिससे थोड़ा सा कड़क वाला लुक आएगा बट ज्यादा नहीं। अगर आपको ज्यादा अच्छा फ्लेयर चाहिए आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कैंकन स्कर्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो, नहीं है तब भी आप यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा एंड प्यारा कलेक्शन है, एंड इसकी घेर की बात करूँ तो 2.5 मीटर के अराउंड इसमें घेर है, काफी अच्छा खासा घेर है, इसमें आप कैंकन स्कर्ट अगर नहीं भी डालोगे तब भी ये चल जाएगा। तो ये काफी प्यारा कलेक्शन है जो कि है लहंगे का। एंड लास्ट बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज की, तो ये इसका ब्लाउज जो कि इसके फ्रंट है, एंड इसका ब्लाउज बहुत ही प्यारा लग रहा था, काफी अच्छी एंड प्यारी सी डिटेलिंग दी है इन्होंने ब्लाउज में, कुछ इस तरह से इसका नेक मिल जाएगा, एंड ये देख पूरा आपका ब्लाउज भरा हुआ आएगा, काफी प्यारा लग रहा है मुझे। ये देख इसके फ्रंट का पार्ट है, साइड में इन्होंने कुछ फैब्रिक थोड़ा सा इसमें प्लेन दिया है, एंड बैक के लिए ये है, इसमें आपको मिल जाएगा कि बैक के लिए फ्रंट एंड बैक आपका दोनों ही भरा हुआ आएगा। लहंगा काफी प्यारा है, डेफिनेटली हाईली 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 रिकमेंड कर सकते हो, काफी प्यारा एंड बढ़िया सा कलेक्शन है। ये आपका बैक के लिए, फ्रंट के लिए, एंड आपको अगर स्लीव्स बनवानी है तो साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक मिल रहा है, आप उसे अपनी स्लीव्स बनवा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके साथ नहीं है। आपको लाइनिंग भी मिल रही है, लाइनिंग के लिए आपको अलग से फैब्रिक लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको लाइनिंग मिल जाएगी। तो ये तो गाइस इट, ये था आज का हमारा कंप्लीट न्यूज ऑल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत सारा शेयर करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑल वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।